शिवलिंग भगवान शिव की वास्तविकता को दिखाता हुआ यह एक प्रतीक है। पर आखिर शिवलिंग क्या है, इसको लेकर आज तक बहुत विवाद हुआ, पर आज मैं बताऊंगा कि आखिर क्या है शिवलिंग की कहानी। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कार के बारे में बताता हूँ। हम सारे सनातनी भाई बहन शिवलिंग की पूजा कर उस पर जल तो जरूर चढ़ाते हैं, पर उसका वास्तविक अर्थ शायद ही किसी को पता है। बहुत लोगों ने शिवलिंग का गलत मतलब बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए शिवलिंग के रहस्य। शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ, शिव अर्थात भगवान शिव, देवों के देव महादेव, और लिंग शब्द का अर्थ होता है निशान, चिन्ह होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ भगवान शिव का चिन्ह या परमात्मा का निशान। शिवलिंग का इतिहास, हम हिंदुओं को लगता है कि शिवलिंग केवल सनातन लोग ही पूजते हैं, परंतु आप लोग सुनकर हैरान रह जाओगे कि बेबीलोन, जो कि इराक का एक शहर है, वहां भी शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा 1300 ईस्वी से की जा रही है। पूरी दुनिया के काफी खुदाई के दौरान हमें शिवलिंग के अवशेष मिले हैं। हर ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग अलग क्यों है? एक सवाल जो हर हिंदू पूछता है कि आखिर क्यों हर ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग का आकार अलग अलग है, इसका एक सीधा सा जवाब है, अलग अलग उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंग में अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ को स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, कुछ को विवाह के लिए, तो कुछ तो ध्यान के लिए। अर्थात शिव और शक्ति का पूर्ण स्वरूप ही शिवलिंग है। कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। और क्या आपको इस्कॉन मंदिर की कहानी पता है? इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और देखें।